ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल अपन ने स्टार्ट की थी सीबीएसई 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। उसमें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट अपन ने किया था 1.1 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थ्री कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की चांस है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का अपन क्या करेंगे, बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, शो दैट अपन को शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अपन अगर स्क्वायर करते हैं तो आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 सम इंटीजर्स ऑफ m। m वहां क्या है, कोई इंटीजर से, ठीक है। इसको किस तरीके से फॉर्म करना है मैं अभी बता रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहां देखो एक वर्ड आया है स्क्वायर। यहां क्या वर्ड आया है, स्क्वायर। तो सबसे पहले ये चीज अपन को डिनोट करनी है कि इस क्वेश्चन में क्या आ गया है, स्क्वायर वाला। जब भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए, जब भी क्या है स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए, तो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसका प्राइम फैक्टर लेके करना है। क्वेश्चन में जो भी अपन को चीज गिवन है उसका हमेशा प्राइम फैक्टर लेके करेंगे। क्या लेके करेंगे, प्राइम फैक्टर लेके करेंगे। कल अपन ने ऑड इवन पढ़ा था और कॉन्सिक्यूटिव पढ़ा था, ठीक है। तो आज स्क्वायर वाले जब भी क्वेश्चन होता है तो हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है, जैसे यहाँ 3 है, 3 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। बाई चांस क्वेश्चन में यहाँ 4 होता तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या लेते हैं अपन, 4 का प्राइम फैक्टर होता है 2। 4 का प्राइम फैक्टर कितना होता है, 2। तो अपन यहाँ क्या लेंगे, 2 को लेके करते हैं। लेट एज्यूम 2 करके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे तो 3 गिवन है अपन को, ठीक है। तो देखिए अपन करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। सबसे पहले लेट ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, एनी पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर, यहाँ पे अपन ने ले लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बी की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। उसके बाद में आर, अपन को पता है आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू एज ग्रेटर देन 0 किसकी वैल्यू होती है, आर, और बी से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। बी से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो अपन क्या करेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ क्या होगी, बी की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 से छोटा कौन होता है, 0, 1, 2, ये होता है, ठीक है। उसके बाद अपन यूक्लिड लेमा का यूज करेंगे, यूक्लिड डिविजन लेमा। हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन ने पढ़ा था, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सबसे पहला केस बनेगा केस फर्स्ट। सबसे पहला क्या बनेगा, केस फर्स्ट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आएगी, b की जगह यहाँ पुटअप करना है 3q + r, r की जगह पहले क्या पुटअप करेंगे, 0, तो यहाँ क्या हो गया, a is equals to 3q। अब स्क्वायर का क्वेश्चन है तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। बोथ साइड अपन ने क्या की, स्क्वायर किया, तो अपन ने यहाँ क्या देखा कि यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहाँ क्या ले लिया, 9q² सॉरी डायरेक्ट में ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको फॉर्म करना है स्क्वायर में, ठीक है। फिर ये दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, क्यू का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्म में अपन को लिखना है। उसके बाद इस फॉर्म को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² अपन को फॉर्म किस में बनाना है, 3m में बनाना है। किस में बनाना है, 3m में, जहां पे क्या हो, जो ब्रैकेट वाला, जो इसमें से कॉमन लेंगे, 9 को किस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 को फॉर्म लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, इसको इस तरीके से,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 3, यहाँ देखो 3 के पास क्या है क्वेश्चन में, m है, तो ये पीछे वाले को अपन क्या करेंगे ब्रैकेट में अंदर क्लोज कर देंगे और इसको अपन क्या मानेंगे, अपन ने इसको ले लिया ये क्या है m, लेट एज्यूम, एज्यूम करेंगे, एज्यूम अपन क्या करेंगे कि ये क्या है कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, m इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, m इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3q² = m, अपन ने m क्या है, जहां m क्या है एक, जहां m क्या है एक क्या है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a² = 3m। नेक्स्ट केस नंबर टू, केस नंबर टू में अपन क्या करेंगे, केस सेकंड में वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, a = 3q + 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग, वही वापस बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3q + 1 होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ a² का a² अपन को पता है a + b का होल स्क्वायर जब भी होता है तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे a² + b² a² + 2ab + b² यही होता है। a की जगह 3q है, यहाँ पे भी 3q है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितना हो गया 3q का स्क्वायर मतलब 9q² 3 2 6 6q + 1 का 1, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन आ रही है तो यहाँ कॉमन लेना है, a² = कितना होगा, a² = यहाँ क्या होगा a² होगा 3, मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ क्या हो गया 3q² + 2q + 1। यहाँ पे भी अपन एज्यूम करेंगे कि ये जो स्क्वायर वाला जो भी पार्ट है, जो स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो क्या है m है, जो स्क्वायरिंग वाला जो पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे भी अपन ने क्या किया स्क्वायरिंग वाले पार्ट को क्या एज्यूम किया m किया, वैसे वैसे यहाँ पे भी क्या करना है स्क्वायरिंग वाले जो भी पार्ट है उसको क्या लेट एज्यूम करना है, एज्यूम किया वो क्या है m है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a² = 3m + 1। ओके यहाँ देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई और यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू आई 3m। उसके बाद केस आता है 3, केस थर्ड में वही यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, a = क्या होता है 3q + 2, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, a² = 3q + 2 होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर वाला पार्ट पूछा है इसलिए बोथ साइड अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर वाला, अगर क्वेश्चन में क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब वाला, उस समय अपन क्या करेंगे बोथ साइड क्या करेंगे क्यूबिंग करेंगे, ठीक है। हाँ यह फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b² a की जगह है 3q, यहाँ 3q, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ कितना हो गया 9q² + 3 2 6 6 2 6 2 होता है 12q + 4। अब 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, 3 के फॉर्म में 9q² + 12q + 3 + 1, इन तीनों में से कॉमन ले लो, इन तीनों में से कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा 3q² + 4q + 1 + 1। इसको जो स्क्वायरिंग वाला पार्ट होता है उसको हमेशा क्या लेट एज्यूम करेंगे अपन m, तो इसको एज्यूम किया m है ये, तो यहाँ कितना आ गया 3m + 1। इस तरीके से क्या करना है स्क्वायर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर वाले क्या करेंगे, सबसे पहला स्क्वायर या क्यूब वाले जो भी होते हैं सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसमें प्राइम फैक्टर लेंगे, उसका क्या लेंगे प्राइम फैक्टर लेंगे। अब 3 था तो 3 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 3 होता है, इसलिए 3 करके करेंगे, तो b की जगह यहाँ 3 लिया तो r की वैल्यू ये आई। अब स्क्वायर का क्वेश्चन था इसलिए अपन क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड क्या करना है स्क्वायर करना है, इसलिए अपन ने क्या किया स्क्वायर किया। फिर क्या करना है क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर वाला है, क्या बोला है क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है 3 को कॉमन लेने के बाद जो स्क्वायर वाला जो भी पार्ट होता है उसको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है m, या m एज्यूम किया हुआ इसलिए यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे m, अगर यहाँ n होता तो
अपन यहाँ क्या करते हैं, एन एज्यूम करते हैं, जो भी स्क्वायरिंग वाला पार्ट जो भी होता है, जो बच गया थ्री को कॉमन लेने के बाद, जो बच जाता है थ्री को कॉमन लेने के बाद, जो भी पीछे स्क्वायर वाला पार्ट बच जाता है उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एम से, तो ये एम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। अब समझो इस क्वेश्चंस का मीनिंग क्या था। मीनिंग का मतलब ये होता है, मैं यहां से कहीं से इरेज कर सकता हूं क्या, चलो मैं इसको बढ़ा ही देता हूं, इंक्रीज कर दिया जाए इसको, चलो ठीक है। अब यहां देखें इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या था। इस क्वेश्चन का मीनिंग था कि अगर जैसे किसी का भी स्क्वायर में अगर अपन थ्री का डिवाइड देंगे, स्क्वायर का मीन कितना होता है, टू का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स। अब इसका मीन्स क्या होता है, जब किसी के भी स्क्वायर में अगर थ्री का अगर डिवाइड दिया जाता है तो हमेशा क्या बचेगा, हमेशा बचेगा या जीरो बचेगा, या यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, हमेशा जीरो और वन ही बचेगा। अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देखो मैं डिवाइड देके देख रहा हूं, मैं स्क्वायर में थ्री का मैंने डिवाइड दिया फोर में, फोर में डिवाइड दिया क्या, क्या रिमाइंडर भी अच्छा, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर पे ध्यान देना है, रिमाइंडर क्या बचा वन। उसके बाद में थ्री का मैंने डिवाइड दिया नाइन में, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा जीरो। उसके बाद मैंने 16 में डिवाइड दिया थ्री का, कितना बचा वन। अगर मैंने थ्री का डिवाइड दिया किसमें 25 में, क्या बचा वन, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर देखो, अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर में थ्री का डिवाइड दिया जाता है, थ्री का क्या किया जाता है डिवाइड दिया जाता है, तो ऑलवेज भी अपन को क्या क्या मिलेगा, ऑलवेज भी अपन को क्या मिलेगा, हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर वन और जीरो मिलेगा। इसीलिए ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, फॉर्म करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, इजीली वे में करना है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, ठीक है। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म, जो भी क्यूब होता है किसी भी डिजिट का जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो 9 का क्या होता है मल्टीपल प्लस 0, रिमाइंडर 0 बचेगा, 9 का मल्टीपल तो होगा प्लस 1 बचेगा वहां पे, और 9 के मल्टीपल प्लस 8, मींस इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, अगर किसी का भी क्यूब, क्यूब किस तरीके से फाइंड किया जाता है, सबसे पहला क्यूब मैं ले रहा हूँ थ्री क्यूब, थ्री का क्यूब कितना होता है, थ्री का क्यूब होता है 27, अगर 27 में मैंने थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब कितना होता है, फोर का क्यूब होता है 64, फाइव का क्यूब होता है 125, और सिक्स का क्यूब होता है 216, यही होता है, ठीक है। अब इन सब में क्या करना है, नाइन का डिवाइड देते हैं यहाँ पे, 9 का मैंने 27 में डिवाइड दिया तो नीचे रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर पे ध्यान देना है अपन को, ध्यान, मैंने 9 का डिवाइड दिया तो सबसे पहले क्या बचा 64, क्या पूरा धारा है क्या, नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 63, या रिमाइंडर क्या बचा 1। उसके बाद में मैंने डिवाइड दिया 9 का, यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक में जीरो बच रहा है, एक में लेफ्ट रिमाइंडर लेफ्ट क्या हो रहा है, जीरो वन और एट, क्या हो रहा है जीरो वन और एट। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, अगर किसी के भी क्यूब में किसी के भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर अपन क्यूब करते हैं और अगर अपन नाइन का डिवाइड देते हैं, अपन क्या करते हैं नाइन का डिवाइड देते हैं तो हमेशा क्या बचेगा, जीरो बचेगा, वन बचेगा या एट बचेगा, इस क्वेश्चन का ये मीन है, ठीक है। सबसे पहला जैसे स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले ये बोला था कि उसका प्राइम फैक्टर लेंगे, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में गिवन होता है प्राइम फैक्टर तो उसी को लेके करते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नाइन, नाइन का प्राइम फैक्टर क्या होता है थ्री होता है, क्या होता है थ्री होता है, इसलिए यहाँ बी की जगह अपन क्या लेके करेंगे थ्री लेके करेंगे, तो यहाँ प्राइम फैक्टर कितना आ गया थ्री, और अपन को पता है जब बी थ्री आएगा तो आर की वैल्यू कितनी आएगी जीरो वन टू,
इसमें भी केस कितने बनेंगे, केस थ्री बनेंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री। उसमें स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, इसमें क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो क्यूब वाले क्वेश्चन में क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे। हाँ सर, एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू ये ली, बोथ साइड क्यूबिंग किया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इस फॉर्मूले से अपन ने किया। अब फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में भी मैंने ये बताया था, उसमें स्क्वायर वाला था, तो जो भी ब्रैकेट में लेंगे वो स्क्वायर वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिया, यहाँ क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो क्यूब वाला जो भी होगा वो उसको क्या लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। तो यहाँ क्या लिया, जो क्यूब वाला बच गया है उसको क्या लेंगे, लेट एज्यूम, अपन एज्यूम करेंगे एम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो ये क्यूबिक वाला है, इन तीनों में से कॉमन लेने के बाद जो ये क्यूबिक वाला जो ब्रैकेट होता है, जो क्यूब वाला ब्रैकेट होता है उसको एज्यूम करेंगे क्या, एम। यहाँ पे भी जो क्यूब वाला होता है, जो क्यूब वाला ब्रैकेट होता है उसको भी लेट एज्यूम करेंगे एम। अभी अपन ने नॉर्मली डिवाइड करके देखा था कि किस तरीके से जीरो बच रहा है, वन बच रहा है या एट बच रहा है। आप किसी का भी क्यूब निकालने के बाद, किसी का भी क्यूब निकाल लो और उसमें नाइन का डिवाइड दे दो, नाइन का डिवाइड देने के बाद हमेशा या तो जीरो बचेगा रिमाइंडर, या वन आएगा, या हमेशा ऑलवेज भी एट आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।